कैसे हैं? आज रोमांटिक मौसम है, आप लोग से हम बेहद खुश महसूस करते हैं क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि बेहद खुशी महसूस होता है आप लोग से। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड। बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग क्या राय दे रहे हैं? कहीं हम लोग ऐसा क्यों लग रहा है बाइक लेके चल तो रहे हैं? पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा हो गया है जानते हैं, एक लीटर का दाम है 100। अभी ये कलकत्ता का है ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि एक क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इतना ज़्यादा इंक्रीज प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, पेट्रोल का दाम घटना चाहिए या नहीं। क्योंकि मेरे हाथ में रहता ना तो मैं पेट्रोल का दाम, सीएनजी का दाम बहुत लो कर देता, क्योंकि आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं आने में नहीं जाने में कोई रुकावट कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी भी कोई भी जाएगा बुलेट से ही जाएगा तो सोचिए वो 120 का पेट्रोल डालेगा तो वो 30 किलोमीटर जाएगा। मिडिल फैमिली का मेंबर कोई भी हो वो पेट्रोल डालेगा तो सोचेगा ना एक बार कि हम 200-300 का पेट्रोल डालेंगे तो पैसे लगता तो है भैया, पैसा ही लगता है, पानी थोड़ी डाल रहा है उसमें। हमने जैसा मिडिल फैमिली आदमी क्या कर सकता है? एक सोशल मीडिया ही है ना, तो कुछ बता सकता है, कुछ समझा सकता है, कुछ वीडियो को पहुंचा सकता है कुछ पब्लिक सिटी में। पेट्रोल का दाम घट जाना चाहिए, बहुत दिक्कत है यार। इंडिया में पेट्रोल का दाम इतना हाई क्यों रहता है? नेपाल में तो पेट्रोल का दाम डाउन ही रहता है, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा क्यों लग रहा है कि पेट्रोल का दाम कहीं ना कहीं ऊपर चलते जाता है चलते जाता है? मेरे बस में रहता तो कब पेट्रोल डाउन, एक बार टोटल कर दिया जाता है एक बार डाउन, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो कहीं नहीं जाएगा, मेरी बस की बात है ही नहीं। आप लोग कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल बनता है। बाय।